कमलनाथ मंगलवार को बदनावर में कांग्रेस के सम्मेलन से पहले उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने दर्शन कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया और मीडिया से बात भी की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से बात की और कहा कि 15 महीने की सरकार की जांच करा ली। इधर कांग्रेस के घटिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामलाल मालवीय ने पुलिस कर्मियों से अभद्रता भी की और अपशब्द कहते हुए सरकार आने पर देख लेने की धमकी तक दे डाली। कमलनाथ ने कहा कि महाकाल का आशीर्वाद लेने आया था। मध्य प्रदेश के किसानों को, मध्य प्रदेश की जनता को आशीर्वाद मिले, मुझे आशीर्वाद मिले, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। मध्य प्रदेश की जनता समझदार है, वह जानते हैं क्या क्या गद्दारी हुई है, क्या सौदा हुआ, और वह जानते हैं किस पटरी पर मध्य प्रदेश आगे चल रहा था, किस तरह से मध्य प्रदेश को नई दिशा मिली थी। कांग्रेस की सरकार बनेगी और जनता हमारा साथ देगी। 15 साल का भ्रष्टाचार पर्दाफाश हुआ है। मेरे 15 महीनों की जो कराना चाहे उसकी मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं आज महाकाल के आशीर्वाद के लिए आया था। मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के किसानों को, मध्य प्रदेश के नौजवानों को, मध्य प्रदेश के कमजोर वर्ग को आशीर्वाद मिले, मुझे आशीर्वाद मिले, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे, मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बने, ये मेरी प्रार्थना है। हमारी कोई रणनीति नहीं है। हमारा कहना बिल्कुल साफ है कि जनता समझदार है। मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर बहुत समझदार हैं। वो जानते हैं क्या गद्दारी हुई है, क्या सौदा हुआ, और वो जानते हैं कि किस पटरी पर मध्य प्रदेश आगे चल रहा था, कैसे मध्य प्रदेश को एक नई दिशा मिली थी। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता हमारा साथ देगी और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, शिवराज सिंह उसको किस तरह से देखते हैं, क्या जो आने वाली सीटें हैं, कितनी सीटें आपको मिलने वाली है? देखिए, ये सब बात मैं नहीं करता। मैं तो कहता हूँ हमें सब सीटें मिलेंगी, मध्य प्रदेश की जनता ऐसा फैसला करेगी। कमलनाथ जी, यहाँ पे भाजपा नेताओं ने कहा है, मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मंत्रियों ने कहा है कि कमलनाथ सरकार भ्रष्ट थी, हम कमलनाथ जी के भ्रष्टाचार से जांच कराएंगे, क्या कहना? पक्की जांच कराएं। 15 साल की भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है ना, और ये अब मेरे 15 महीने कि जो जांच करना चाहते हैं मैं स्वागत करता हूँ। उमा भारती अपने आप मोगली बता रही है अपने आप को, और अब पहले टाइगर, मोगली, और अब उसके बाद शेर भी आ गए, क्या? अब ये सब देखिए, जब इनके पास कुछ कहने लायक नहीं होता तब कभी टाइगर बन जाते हैं, कभी ये बन जाते हैं, वो बन जाते हैं। इसका मतलब बात क्या है? असली बात जनता को नहीं कह पा रहे तो टाइगर कह के गुमराह क्या जनता होगी? जनता बहुत समझदार है, जानती है कौन टाइगर है, कौन हाथी है, कौन बिल्ली है, कौन चूहा।